লোকসভা ভোটে অমিত শাহ বাংলা এসে 35টি ভোট সেট করে দিয়েছিলেন। তবে বুধবার তিনি বালুরঘাটের সভাতে 35টা থেকে কমিয়ে 30টি ভোট কনফার্ম করলেন, আর তাতেই উঠে গিয়েছে প্রশ্ন, তাহলে কি মাঠে নেমে বাংলার পরিস্থিতিটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন অমিত শাহ, আর তাই বুঝতে পেরে 5টি সিট কমিয়ে ফেললেন? তাহলে কি তিনি ওই 5টি সিটে ভোট পাবেন না সেটাই বুঝে গিয়েছিলেন? কোন 5টি সিটে বিপদ বুঝেছেন সেই বিষয়ে যদিও কিছু জানা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগেই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন বাংলায়। ভোট ঘোষণার পর এবার রাজ্যে প্রচারে এলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উত্তরবঙ্গ দিয়েই তিনি বঙ্গে ভোট প্রচার শুরু করলেন, আর এখান থেকেই লোকসভা ভোটে বঙ্গ বিজেপি কত আসন পাবে সেই ঘোষণাও করে দিলেন শাহ। তিনি বলেন যে 30টি সিট চাই চাই। কি বলছেন অমিত শাহ শুনব। अब 2024 में 18 से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है। मुझे बताओ हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा? भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है, और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। भाई और बहनों, बेलूर घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी? क्या करेगी? क्या वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। भाई और बहनों, आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई, और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है, और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। এদিনের সময় রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদারের নাম বলতে গিয়ে এমন উচ্চারণ করে বসলেন যা শুনে একেবারে সবাই অবাক। সুকান্ত মজুমদার নাম বলতে গিয়ে বলে বসলেন সুকান্ত মজনুদার। আর 2024 সালে বাংলায় ফের একবার প্রচারে এসে তিনি যে সেই রয়ে গেছেন সেটা বুঝিয়ে দিলেন। প্রার্থীর নাম তো ভুল বলেছেন ঠিকই, সেই সঙ্গে যে কেন্দ্রে তিনি প্রচারে এসেছেন সেই কেন্দ্রের নামও ভুল বললেন। বালুরঘাট উচ্চারণ করতে গিয়ে বলে বসলেন বেলুরঘাট। কি বলছেন অমিত শাহ শোনাবো আপনাদের। হমনে এক কানুন পারিত কিয়া হে সিএ কা, মমতা দিদি বঙ্গাল কে লোগো কো গুমরাহ করে, ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो, हम जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा है। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और
घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। दीदी आपकी दाल नहीं गलने वाली है। मोदी जी ने रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं, बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करें। आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना ही। এদিন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন যে মমতা দিদি বাংলার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। উনি বলছেন যে অ্যাপ্লিকেশন করলে আপনার নাগরিকত্ব চলে যাবে, আর আজ আমাদের বলছি সিএতে অ্যাপ্লিকেশন করুন, কোনো কেস হবে না। মমতা দিদি রোহিঙ্গাদের স্বাগত জানান আর হিন্দু শিখদের ভুল বোঝান। কি বলছেন অমিত শাহ শুনুন। আসাম কি সমস্যা ঘুসপেট কি এসেই থি, আসাম কি জনতা নে নির্ণয় কিয়া, भाजपा की सरकार बनाई और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। অন্যদিকে এদিন অমিত শাহর গলায় শোনায় একেবারে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ, আর এদিকে অনুপ্রবেশ রুখতে গেলে ফের একবার নরেন্দ্র মোদীকেই ক্ষমতায় আনতে হবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য অসমের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তিনি। শাহ বলেন অসমে অনুপ্রবেশের এমন সমস্যা ছিল, অসমের মানুষ সিদ্ধান্ত নিলেন, বিজেপির সরকার তৈরি করলেন, আর এখন অসম সীমান্ত দিয়ে কেউ অনুপ্রবেশ করতে পারে না, আমরা অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছি। এরপরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন আমি আপনাদের মোদীর গ্যারান্টি দিতে এসেছি, 30 শাসন পার করিয়ে দিন, বাংলায় বিজেপির সরকার গড়ে দিন, কাউকে আর অনুপ্রবেশ করতে দেব না। কি বলেছেন অমিত শাহ শুনব। 2024 में 18 से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है, मुझे बताओ हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा? भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया है, सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा। संगे रखुन आज तक बांग्ला के सब्सक्राइब करें।